देश भर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। लिहाजा इंदौर में भी शनिवार को वैष्णव अकादमी में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को रोचक जानकारी दी गई। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत इंदौर स्वच्छता में हैट्रिक लगा चुका है। लिहाजा अब इंदौर को स्वच्छता के बाद अब प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आज वैष्णव अकेडमी प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाकर बच्चों को रोचक जानकारी मुहैया कराई गई है, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ियां भी कुछ सीख सके और आने वाली देश की नई पीढ़ी एक नए भारत को देख सके। इंदौर से भारत नरवरे के साथ भारती व्यास की रिपोर्ट। आह्वान किया था कि देश है वो प्लास्टिक फ्री का ही सेवा का एक इनिशिएटिव है मोटो, वहाँ से पूरे राज्य के तहत मध्य प्रदेश इंदौर सेवा के तहत विभिन्न किए जा रहे हैं ताकि हमारा वो प्लास्टिक फ्री हो सके। हम तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, कुल संस्थान है जिनकी सामाजिक मदद लेके फ्री करना है। कितना मतलब लोगों ने करना शुरू, हर लेवल पे संस्थान हो, स्कूल हो, होटल हो, सभी इसमें और हमारा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं कि हमें आगे क्या सपोर्ट। अच्छा, अब मैं एक चाहूँगी कि जो नशा एक्चुअली हम लोग भी चला रहे हैं, तो नशे पहना चाहेंगे कि युवाओं को करना चाहिए, एक बहुत है अब हमारे लिए। सबसे पहले युवाओं उनको ये चीज़ एक करने से उनका, अगर नशा करना है तो स्वच्छ न सिर्फ अपना भला हो और हमारा जो स्वच्छता में तीन बार हैट्रिक लग रहा है, तो सफाई का करो, नाने का करो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण मिले और मेहनत ये करो। नमस्कार, मैं आपको आपके के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। कंपनी इंदौर में वैष्णव एकेडमी प्रयास है कि यदि हमें रूप में 2 अक्टूबर को मना कैसे अवॉइड किया जा सके, ऑल्टरनेटिव क्या है अवेलेबल के लिए बच्चों ने क्लॉथ बैग पेपर बैग एक्टिविटी जो थी जिसे सराहनीय रहा और अपनी इंदौर म्यूनसिपल कॉर्प को सर्टिफिकेट देके उनकी सर। ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जिनके द्वारा ही हम दुनिया को दे सकते हैं कि आने सुरक्षित तभी होगी उस प्लास्टिक जो यानी कि प्लास्टिक अवॉइड करेंगे। कैसे करेंगे इस बात की 2 अक्टूबर को नगर निगम रैली का आयोजन किया जा रहा है, रैली के छात्र और वो अपना जो सूचना है जो वो द्वारा देंगे। बहुत ही ग्राइंड वेस्ट मैनेजमेंट का मिशन आने वाली पीढ़ी में कुछ बदलाव ला सकती है। अपने चार परिवारों को सूचित कर प्रवृत्ति के द्वारा इस एक्ट 4 परिवारों तक ये सर जाएगा कि प्लास्टिक हानिकारक है, लेकिन इसके बदले में क्या किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम की टीम श्री अमित चौहान माला जी सभी ने, मैडम श्री मीनाक्षी हमारे जो नगरी चौधरी मैम, इन लोगों ने ये जाना। हमने एक बर्तन बैंक भी चलाया के द्वारा बच्चों, अगर आपके घर में कोई समारोह डिस्पोजेबल कप्स प्लेट्स ये बिना कोई शुल्क दिए के द्वारा वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि यूज इसका इस्तेमाल से होता है कि वो बहुत, तो यदि मुफ्त में बढ़ता स्पेशली ऐसी जहाँ भी वैल्यू है पैसे की भी वैल्यू, तो ये बहुत ही हम सब मिलके इस कदम में नगर निगम इंदौर का तीन बार नहीं हमेशा के लिए और स्वच्छ शहर बन। हम लोग डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज इंदौर से हैं। पिछले 3 साल से स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता का काम हम लोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं और अभी स्वच्छता ही सेवा एक कैंपेन चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने की घोषणा की है। उसमें हम लोग स्कूलों में जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम वैष्णव कॉलेज कृष्णा स्कूल में आए थे और यहाँ स्कूल में हम लोगों ने बच्चों से पेपर बैग बनवाने की एक्टिविटी की है और यही पेपर बैग हम जो शॉप्स पे पॉलीथीन यूज़ करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बच्चों के माध्यम से मैसेज जाए कि आपको पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, पेपर बैग या कपड़े की थैली का उपयोग करें। थैंक यू सर। मैम आपके बोलने के लिए, मेरा नाम दीपमाला यादव है और हम लोग डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट सहायक संस्था, हमारे जॉइंट डायरेक्टर श्री जगदीश जी चौहान हैं, उनके द्वारा ये ड्राइव चलाई जा रही है। आज हमारे इंदौर में इतना ज़्यादा पॉलीथीन और डिस्पोजल का उपयोग हो रहा है, तो हमारा ये एम है कि हम बच्चों के बीच में जाकर उनको मोटिवेट करें ताकि क्या रहेगा जो बच्चे शुरुआत करेंगे तो अगर बड़े भी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमने बर्तन बैंक जो है नगर निगम द्वारा बर्तन बैंक भी वो लगाया है ताकि आप कम से कम डिस्पोजल का उपयोग करें और पूर्णतः हमारे इंदौर से डिस्पोजल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा स्वच्छ भारत एक स्वस्थ भारत के रूप में आ गया। थैंक यू। हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट में जाना और अलग अलग स्कूलों में जाके कॉम्पिटिशन में जीत के आना, और ये मैंने उसी समय बनाई थी बॉटल और कढ़ाई की बॉटल में ये स्वच्छ भारत अभियान। आज का जो लोग स्वच्छ भारत अभियान का कचरा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं थी,
या हमने बैलून उसका वो बैलून को पुगा कर फेंक कर उसको चिपकाया और उसके बाद उसको सूखने दिया, गिलास को लेकर आया उसको गिलास को वापस में।